कौन सा जूस है जरा बताएं, बताए ना कौन सा जूस है? गन्ने का जूस है भाई। बहुत सख्त प्यास लग रही है, जल्दी करो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। जो मेरा गला है ना, वो बस कुछ ना पूछें। इससे पहले इतना, मतलब जिसे कहते हैं ना लंबे वाला बीमार होना, वो नहीं चला। लेकिन आई डोंट नो क्यों ऐसे हो गया है, बहुत ज़्यादा कंजेशन, पिकअप बहुत ज़्यादा हो गई है। इवन मैंने अपनी एंटीबायोटिक्स भी फिनिश कर दी, लेकिन स्टिल आई एम सिक। और अभी हम लोग आ रहे हैं डॉक्टर के पास से। डॉक्टर ने मुझे वहाँ पर, आई डोंट नो, दो कोई इंजेक्शंस डाल के नेबुलाइज किया। कौन से इंजेक्शंस थे वो नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है मेरे लिए सूटेबल थे, वो ही यूज़ किए। और उससे पहले बच्चों को लेकर गए हैं यहाँ पर, डॉक्टर हैं, बचपन से बच्चों को मैं वहीं लेके जा रही थी। तो उससे पहले जहाँ लेके गई हूँ वहाँ से बच्चों को बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लाइक टू टाइम्स आई हैव गिवन एंटीबायोटिक्स, बट लाइक नो वर्क्स। तो अब जो है, आई होप कि इंशाल्लाह बच्चे जल्दी रिकवर कर लेंगे। और उसके अलावा व्लॉग्स लेट हो रहे हैं, मैसेजेस आप लोग करते हैं मुझे, लेकिन उसका रीज़न आई हैव टोल्ड मैनी टाइम्स इन माई प्रीवियस व्लॉग्स के जब भी मैं कोई काम करती हूँ ना, तो बहुत दिल से और कंसंट्रेशन से करती हूँ। तो जब मैंने YT ज्वाइन किया था ना, तो तब भी मैंने बहुत कंसंट्रेशन से किया था। तो काफ़ी दिन हो गए हैं नो शावरमा, नो फास्ट फूड। तो आज भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, क्या करें। इधर से डॉक्टर के पास से होकर रही हूँ, यहाँ पर देखें क्या हो रहा है। अच्छा, ये हम लोग आ गए थे मकसूद, उसका जो शावरमा है और साथ में जो फ्राइज़ मिलते हैं ना, बड़े मज़े के लगते हैं ये ना, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं फ्राइज़। और इनका ये जो मायनीज़ है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। वैसे पता नहीं क्या करने वाली हूँ मैं, बस दिल कर रहा था, बस खाना तो है ना, फिर क्या करूँ। और ये साथ में शावरमा। ये स्कूल टाइम, और यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ। एक क्लास का जो है PE पीरियड था, और उनको मैं लेके बाई ग्राउंड में आई हूँ। शदीद वाली गर्मी है और गर्म हवा भी चल रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। लेकिन यू नो कि ड्यूटी है, तो बस फिर ड्यूटी है। तो मैंने सोचा कि चलें छोटा सा क्लिप ले लेती हूँ। साथ ही में मुझे आवाज़ आ रही थी मियो मियो मियो, मैंने कहा ये कौन कर रहा है, मैं देखूँ। जैसे ही मैंने बेंच से पीछे टर्न होकर देखा, तो एक छोटा सा किटन था। तो बस मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाती हूँ। ये उस दिन मैं लेकर आई हूँ टॉपअप से। वैसे बहुत कम होता है कि इस तरह की कोई चीज़ मैं अपनी बॉडी पर यूज़ करती हूँ, करती ही नहीं हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा लग रहा था। मोरक्कन ब्लैक सोप है विद लेमन एसेंशियल ऑयल। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा है। आई थिंक सॉफ्ट सा होगा इसका टेक्सचर, क्योंकि ऑयल भी है और सोप भी है इसके अंदर। करिए ओपन। हाँ, थोड़ा देखा ना, ऐसे लग रहा है जैसे, है ना अली, दिखाएं इसको। एक सेकेंड, इसको यहाँ से ओपन करें। इसको मैं यूज़ कर कैसे, हाँ ये देखिए इसका टेक्सचर, जैसे वैक्स नहीं होती उस तरह से लग रहा है। और खुशबू इसकी ठीक है, अच्छी है। ऑयल है और सोप है, मिक्स है। चलिए इसको यूज़ करते हैं, रुके इसे मैं ओपन करती हूँ। अच्छा जी, ये खुल नहीं रहा था अलीन की, मैंने पेंसिल यूज़ की इसे ओपन करने के लिए। हाँ ये है जी इसका टेक्सचर। हाँ, इसको वेस्ट नहीं करना, मैं यूज़ कर लूँगी। ठीक हो गया। तो चलें इसको लगाते हैं, फिर बताते हैं। मैंने इसको यूज़ किया ये ऑयली से सोप को, इट वाज़ ओके। लाइक बहुत अच्छा नहीं था, जब मैं इसको रब करी थी पानी के साथ, तो वो कहीं ना कहीं जाके ना स्टिक हो रहा था, उतर नहीं रहा था बॉडी से। तो बस ठीक था, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, ट्राई इट। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, और हस्बैंड को कोई काम था, और व्लॉग होगा बिल्कुल छोटा सा व्लॉग, बहुत ज़्यादा बड़े मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ। एक तो टाइम बहुत कम है मेरे पास, और सेकेंडली कहीं बाहर आउटिंग्स हो नहीं रही ज़्यादा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग जल्द मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।